एसएससी सीजीएल के 2016 के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो चलिए आज का 27 अगस्त का पेपर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76, ये आपका पहला वर्ड है। पहले पहले क्वेश्चन में ही आपको पूछा है जो है कि स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन में पूछा है कोनाइजर। कोनाइजर का मतलब होता है पारखी, किसी चीज में निपुण हो उसको बोलते हैं पारखी, कोनाइजर। कोनाइजर की स्पेलिंग होती है COONOISSEUR, और ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीके के कुछ वर्ड होते हैं तकरीबन 100-150, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक वीडियो लेक्चर में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी जो वर्ड्स हैं वो आपके सिनोनिम सेंटोनिम से मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, वही ईडियम में पूछा जाएगा, वही वन वर्ड में पूछा जाएगा, कभी स्पेलिंग करेक्शन में सेम चीज़ें पूछ देती है, तो अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा है अपोजिट। आपको ये दिया हुआ सूद, सूद का मतलब होता है शांत करना। सूद का मतलब है शांत करना। अब आपको अपोजिट बतानी है, तो आपको ऐसा कुछ वर्ड चाहिए जो सूद करने के बजाय जो है उसे भड़का रहा हो, शांत करने के बजाय उत्तेजित कर रहा हो, भड़का रहा हो। क्विंच का मतलब होता है एक तरीके से बुझाना, प्यास वगैरह बुझाना, उस सेंस में आता है। तो ये सिनोनिम्स में कंसिडर कर सकते हो, इसको एंटोनिम तो नहीं ले सकते हो। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ऑप्शन नंबर सेकंड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, सफरिंग या पेन को कम करना, कम करके इम्प्रूव करना होता है, बढ़ाना होता है लेकिन कम करके बढ़ाना होता है, इसका पॉजिटिव सेंस रहता है कम करने में। हील, हील मतलब किसी चीज़ जैसे रोग वगैरह है उसका इलाज अगर किया जाए तो उसको बोलते हैं हील या हीलिंग वर्ड ऐसे इस्तेमाल होता है। एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। तो एजिटेट जो है यहाँ आपका जो है एंटोनिम हुआ सूद का, क्योंकि सूद मतलब शांत करना, एजिटेट मतलब हो गया उत्तेजित करना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। यह है आपको बेस्ट एक्सप्रेस करना है, आपको मीनिंग बताना है, मतलब अब यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है। 78 में डिवोस्टेशन दिया हुआ है। डिवोस्टेशन मतलब होता है कि किसी चीज को उजाड़ देना, फेंक देना। डिवोस्टेशन अगर जनरल वर्ड है, आप में से ज्यादातर लोग इसको जानते होंगे। डिवोस्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। यहाँ पहले ऑप्शन में ही सीधे सीधे दिया है डिस्ट्रक्शन, दूसरे ऑप्शन में दिया है कंस्ट्रक्शन, तो ये अपोजिट हुआ, ये सिनोनिम्स हुआ। सेपरेशन का मतलब है अलग करना। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का तो कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका पहला ही ऑप्शन हो गया डिस्ट्रक्शन डिवोस्टेशन का। तो आप मीनिंग मतलब वर्ड जो सिनोनिम सेंटोनिम्स में आए हैं वो देख रहे हैं कितना इजी है। क्या आपको लगता है कि पिछले साल में पहले पूछे नहीं गए हैं? पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखिए, जितने ये वर्ड्स हैं वो पूछे गए हैं, चाहे CHSL में हो, चाहे MTS में हो, चाहे CPO में हो, चाहे CGL में हो, पूछे गए हैं। 79 क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको बताना है वन वर्ड दिया हुआ है, एन एग्जैक्ट कॉपी। अब क्या आपको लगता है कि ये एन एग्जैक्ट कॉपी बहुत डिफिकल्ट वर्ड है या पूछा नहीं गया हुआ है? आप देखोगे कोई भी आप बुक उठा लो, किसी की भी बुक उठा लो, उसमें सीधा सीधा दिया होगा। और उसके जो है क्वेश्चन में जब करने जाओगे तो जैसे प्रैक्टिस सेट में दिया रहता है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। एन एग्जैक्ट कॉपी ये होता है फेजिमाइल, FACSIMIL। 2015 में ये मेरे सेट में पूछा गया था, इसकी स्पेलिंग करेक्शन पूछी गई थी कि अलग अलग स्पेलिंग दिया था, स्पेलिंग सही करनी थी। ट्विन का मतलब होते हैं भाई, दो जुड़वा भाई। मिरर का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं मिरर का मतलब क्या होता है, इमेज होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी की बात नहीं होगी मिरर के लिए। क्लोन, क्लोन हम किसी चीज़ के बनाते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी के सेंस में, एन एग्जैक्ट कॉपी के सेंस में नहीं लेते हैं, तो एन एग्जैक्ट कॉपी जो होता है वो होता है फेजिमाइल। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 80 एंड 81 की। टू गिव मनी टू एजेंट फॉर सेल्स, जो बेचते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो सेल्स में काम करते हैं, तो उनको जब पैसे दिए जाते हैं तो उसको आप सभी लोग लगभग जानते हैं कि उसको बोलते हैं कमीशन। ये बहुत ईजी है, आप देखो कितने कॉमन कॉमन से वर्ड आ रहे हैं। सैलरी आपको पता है क्या है, फी आपको पता है, इंसेंटिव किसको दिया जाता है, जो एम्प्लॉई होते हैं उनको साल के एंड में बख्शीश जैसे बोलते हैं बख्शीश दिया जाता है, लेकिन जो एजेंट होते हैं जो सेल के लिए, उनको जो पैसे दिया जाता है उनको कमीशन दिया जाता है, एजेंट्स को इंसेंटिव नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। 81, ए पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूट में आपके साथ कोई और काम कर रहा हो, तो आपको याद होगा बोलते हैं मेरा कोलीग है, वो मेरा कोलीग है, और साफ साफ यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया है कोलीग। कैप्टन आपको पता है ना कि कैप्टन क्या होता है, कैप्टन ये होता है, हेड होता है।
कलेक्टर, गाइड, ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। 82, अब 82 से लेके 84 तक आपको क्या बताना है, इडियम, इडियम की मीनिंग बतानी है। दिया हुआ है कैटनैप, बिल्ली की नींद। अगर ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो कि बिल्ली की नींद कैसी होती है। बिल्ली की नींद बहुत छोटी होती है, सोई हो कोई फटक से अगर आगे बीच निकल जाए उसकी नींद उड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट स्लीप, कैटनैप को। ये आप सारे के सारे जो चीजें हैं एक बार नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर दोबारा से भी रिपीट होंगे। टू पुल ए लॉन्ग फेस, अब आपको क्या लगता है कि टू पुल ए लॉन्ग फेस पहले नहीं आया है? आया है। टू पुल ए लॉन्ग फेस, लंबा चेहरा बनाना, जैसे हम कभी किसी चीज पे दुखी हो जाते हैं तो ऐसे मुंह बना के खड़े नहीं हो जाते हैं, तो ये इडियम उसके लिए इस्तेमाल होता है। टू पुल ए लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है लुक्ड सैड। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे बताना है फिट हर लाइक ए ग्लोव। फिट हर लाइक ए ग्लोव, ये आपका जो है इडियम है, इसका मतलब बताना है। फिट हर लाइक ए ग्लोव, जो दस्ताना होता है उस तरीके से कोई फिट हो जाए, इसका मतलब है दस्ताना जो हाथ में आता है वो परफेक्टली फिट होता है। टू लार्ज नहीं होगा, टू सैवी नहीं होगा, टू टाइट नहीं होगा। जो फिट हर लाइक ए ग्लोव होता है इसका मतलब होता है परफेक्टली। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि दस्ताना जब भी कोई प्लेयर वगैरह पहनता है जो है तो वो परफेक्टली फिट होता है, तो उसे आपको याद रह जाएगा फिट है लाइक ए ग्लोव का मतलब होता है परफेक्टली। अब यहाँ पे 85 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू, और आपको एक बात मैं बता दूँ, टू टू का यूज निगेटिव सेंस में होता है। टी डबल ओ का मतलब होता है निगेटिव सेंस में इसको लेते हैं। हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कार्डेड। डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, छोड़ना। हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट, हेल्थ इतना ज्यादा जरूरी है कि उसे छोड़ा जा सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है, डिस्पोज ऑफ, मैंने आपको एक बताया था इसका मतलब होता है कोई चीज सेल कर देना, मतलब आपके पास कोई चीज है उसको खत्म कर देना, तो ऐसा हेल्थ के विषय में तो कह नहीं सकते हो। हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, हेल्थ इतना ज्यादा जरूरी है कि इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका फिट बैठ रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर थ्री, यहाँ पे होगा सही, इसका राइट आंसर होगा। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, डिटेस्ट का मतलब होता है नापसंद करना, तो हेल्थ नापसंद नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर फोर नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86, आई एम इग्नोरेंट ऑन, इनोसेंट ऑफ, इंडेप्टेड टू, इग्नोरिंग ऑफ, ये आपका जो है वर्ड भी है साथ में प्रीपोजिशन भी लगा हुआ है, तो आपका दोनों चीज देखना बहुत जरूरी है। जैसे आई एम इग्नोरेंट ऑन, इग्नोरेंट ऑन समथिंग पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज पे इग्नोरेंट हो जाना। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि जैसे इग्नोर करना चीजों को, और यहाँ पे आई एम देख के आप इग्नोरिंग मत लगा देना कि आई एम इग्नोरिंग दिस क्राइम। अरे क्राइम है, या तो आप करोगे या तो नहीं करोगे, तो इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। इनडेप्टेड, इनडेप्ट का मतलब होता है रेडी होना, इनडेप्ट का मतलब होता है रेडी होना, तो किसी क्राइम का आप रेडी तो नहीं हो सकते हो। आई एम इनोसेंट ऑफ दिस क्राइम, आप ये हो सकते हो कि आप इनोसेंट हो इस क्राइम के लिए, मतलब ये क्राइम आपने नहीं किया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो थर्ड जाएगा, आई एम इनो, सॉरी सेकंड जाएगा, आई एम इनोसेंट ऑफ दिस क्राइम। चलिए 87 देखते हैं। आई वॉज फ्री फ्रॉम पेइंग द टैक्स, द टॉल टैक्स, जो टैक्स या फिर टॉल टैक्स होता है इससे आप क्या होते हो, एग्जोनरेट होते हैं या एग्जम्प्ट होते हैं या एक्सपोज्ड होते हो। एग्जोनरेट क्या होता है, जो आपको क्राइम वगैरह में जो सजा मिलती है अगर उससे मुक्ति मिलती है तो आप इस्तेमाल करते हो एग्जोनरेट, लेकिन अगर टैक्स वगैरह में अगर आपको छूट मिलती है तो वहां पे इस्तेमाल होता है एग्जम्प्टेड। अगर रिबेट मिलता है, छूट मिलता है, तो वहां पे इस्तेमाल होता है एग्जम्प्टेड। आई वॉज एग्जम्प्टेड पेइंग द टोल टैक्स, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा एग्जम्प्टेड। एग्जाम का मतलब याद रखना कि ये जब भी हमें टैक्स वगैरह में छूट मिलती है या तो टैक्स में रिबेट होता है, रिबेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या टोल टैक्स वगैरह के लिए एग्जाम्प्ट वर्ड इस्तेमाल होता है। अब 88 है, अब इसमें ये आया कि आपका एरर फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब की नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए। तो देख रहे हैं ऊपर वाले सारे वर्ड में प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं वर्ड के साथ लगा हुआ आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमने प्रीपोजिशन चार्ट पढ़ाया वो। अभी एरर वाले क्वेश्चन में भी आप देखोगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे।
अब यहाँ पे है आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर ए वीक, अब यहाँ लगा है फॉर ए वीक, और यहाँ पे लगा है आई यूज टू। अगर आपका ग्रामर का नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करते हैं। आई यूज ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर, जैसे ही आप आई यूज ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर लिखते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप ये कह रहे हो कि आप पास्ट इंडेफिनेटिव में बात कर रहे हो, क्योंकि वर्ब वी टू जो फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनेटिव लेती है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिटिव दिया है, और फॉर या फिर सिंस ये अगर इस्तेमाल होता है तो कभी भी पास्ट इंडेफिनिटिव तो हो नहीं सकता, या तो परफेक्ट टेंस होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट ही गलत है। अब यहाँ पे जैसे आई यूज टू ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स, ये भी गलत हो जाएगा। तो यूज टू भी कभी कभी सेंस में आता है कि यूज टू होगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा या इस तरीके से कि जैसे पास्ट में है तो पास्ट में ही बात करते हैं, आई हैड बीन यूजिंग ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर ए वीक, ये सही हो सकता है। या फिर ऐसे कह सकते हो आई हैड यूज्ड ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर ए वीक, तो सही होगा। चलिए 89 क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज मेड ए मिस्टेक ऑन विच आई एम सर्टेन, ही हैज मेड ए मिस्टेक, ही हैज मेड ए मिस्टेक, आपका यह है परफेक्ट टेंस, हैज मेड ए मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन। अंदर दिमाग में एक तरीके से इस सेंटेंस को पढ़ के लगता है कि ही हैज मेड ए मिस्टेक, उसने एक मिस्टेक किया है ऑफ विच, जो कि मैं या जिससे मैं अनसर्टेन हूँ, अनिश्चित हूँ, जिसको मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे इसका सेंस इस तरह भी सही निकलेगा कि ही हैज मेड ए मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, उसने एक मिस्टेक किया जिसको लेके मैं निश्चित हूँ। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। एक कंफ्यूजन ये होता है कि आई एम अनसर्टेन, यहाँ पे फीलिंग आती है कि आई एम अनसर्टेन, तो ये होता है आई एम सर्टेन, तो आप निश्चित हो सकते हो या अनिश्चित हो सकते हो। तो यहाँ पे सी पार्ट में गलती नहीं है। अब आपको चेक करना है, फर्स्ट पार्ट में गलती है, ही हैज मेड ए मिस्टेक, कोई गलती नहीं है, ऑफ विच कोई गलती नहीं, इट मीन्स है कि सेंटेंस करेक्ट है। एक बार आप पूरे ग्रामर की क्लासेस देख लोगे तो मैं जो अभी समझा रहा हूँ वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ग्रामर की क्लासेस अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि आपको कई जगह डाउट हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने इसका आंसर छोड़ रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका डी पार्ट सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, इसमें भी इरर फाइंड आउट करना है। ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन ए लो वॉइस, ही वॉज नॉट अलाउड, अलाउड फॉर समथिंग होता है, अलाउड बाई समवन होता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस सही से, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर, अलाउड बाई द टीचर होना चाहिए था, तो यहाँ पे बी पार्ट में गलती है। तो आप समझ रहे हैं ना प्रीपोजिशन चार्ट से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए 91 से क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 91 से लेके आगे पूरा पैसेज है, पैसेज में क्वेश्चन होगा। चलिए तो क्वेश्चन पहले एक बार पैसेज पढ़ते हैं। माई मॉम ग्रिव अप इन ट्रेडिशनल चाइनीज, पैसेज पढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने नीचे लिखा था सर पैसेज को हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, मैं एक बात आपको ये बता दूं, पैसेज करने का सबसे सही तरीका यह है कीवर्ड पकड़ने का। अगर आप वहाँ हिंदी मीनिंग निकालने जाएंगे, हिंदी मीनिंग अगर आपको निकल आती है, आपको सेंस समझ में आता है, तो पैसेज थोड़ा इजिली होता है। लेकिन अगर सेंस आपको नहीं पता चल रहा है तो भी आप कीवर्ड पे फोकस कीजिए, ज़्यादा हिंदी पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा पंगा होगा। आप ये हैबिट डालिए कि आप कीवर्ड पकड़िए। अभी मैं कुछ कीवर्ड आपको पकड़ना सिखाता हूँ कि क्वेश्चन पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोबारा एक बार आके पैसेज पढ़ते हैं, फिर वहां से कीवर्ड निकालते हैं। जैसे हम पहले पैसेज पढ़ते हैं, माई मॉम ग्रीव अप, माई मॉम ग्रीव अप इन ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली इन विच ओपन एक्सप्रेशन ऑफ लव वर नेबर इनकरेज्ड। ध्यान से देखिए, माई मॉम ग्रीव अप इन ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली इन विच ओपन एक्सप्रेशन ऑफ लव वर नेबर इनकरेज्ड व्हेन शी हैड मी एंड माई थ्री सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन होता है, शी ट्रीटेड अस विद द सेम हार्ड हैंड, इट वॉज नॉट That she was a slave driver. Slave driver का मतलब ये हो गया कि वो सख्त driver थी, यार मतलब nature से सख्त थी, और anything. But she never openly showed affection. Instead, she demonstrated that she cared in more practical ways. ठीक है, अगर मतलब एक बार मैं आपको हिंदी बता देता हूँ और आगे से मैं आपको सिर्फ keyword पकड़ना सिखाऊंगा। My mom grew up in traditional Chinese family. मेरी माँ जो है ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली में पली बड़ी थी, इन विच ओपन एक्सप्रेशन ऑफ लव, जहाँ पे ओपनली जो है लव या फिर प्यार मोहब्बत इस तरीके से बांटना बच्चों के साथ वो थोड़ा नहीं हो रहा था उस फैमिली में। व्हेन शी हैड मी एंड माय थ्री सिबलिंग, जब मेरी माँ के पास मैं और मेरे तीन सिबलिंग थे, शी ट्रीटेड अस विद द सेम हार्ड हैंड, वो सबके साथ वो कड़ाई से व्यवहार करती थी। इट वॉज नॉट दैट शी वॉज स्लेव ड्राइवर, ऐसा नहीं था कि वो सख्त ड्राइवर थी या कुछ और ऐसी थी, बट शी नेवर ओपनली शोड अफेक्शन, लेकिन उन्होंने
ओपनली, मतलब खुले तौर पे कभी प्यार सो नहीं किया. इंस्टीड सी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सी केयर इन मोर प्रैक्टिकल वेज. इसके बजाय वो मतलब एक प्रैक्टिकल वे से काम करती थी. पहले इसका मतलब ये हुआ. अब जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आ गई, आप कीवर्ड पकड़ना समझिए. आपको कीवर्ड पकड़ना बहुत जरूरी होता है. माई पेरेंट्स, नेक्स्ट पैरा है, माई पेरेंट्स कुड नॉट हैव बीन मोर डिफरेंट इमोशनली. माई डैड इज रियली ओपन हियर्टेड पर्सन हु कॉन्स्टेंटली सोवर्स अस विथ ह्यूज किसेस नो मैटर द ओकेजन. अब पापा के विषय में अलग बात थी. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पापा थे वो माँ से अलग थे और वो अपने एक्सप्रेशन को शो करते थे. आफ्टर मच परसुएशन फ्रॉम हिम माई मदर डिड ट्राई टू चेंज. उनके बहुत समझाने पर मेरी माँ ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की. बट इट वॉज क्लियर दैट सी नेवर फेल्ट क्वाइट राइट. लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये अच्छा महसूस नहीं होता था अपना इमोशन एक्सप्रेस करना. इवेंचुअली सी रिवर्टेड टू हर ओल्ड सेल्फ. फिर वो अपने पुराने रवैये पे ही रही. द डिफरेंस बिटवीन माई पेरेंट्स वॉज नेवर स्टार्कर देन वेन एवर आई ब्रॉट होम गुड मार्क्स टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम स्कूल. माई डैड वुड प्रैक्टिकली जंप विथ जॉय ऑफरिंग वार्म एंड अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड माई मदर आह गुड गुड सी वुड टिपिकली से विथ अ टेंस स्माइल इच ऑन हर फेस डू बेटर नेक्स्ट टाइम. ओके, अब यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में मम्मी के बिहेवियर और पापा के बिहेवियर में डिफरेंस बताया जा रहा है. जब एग्जाम्पल दिया है लड़की ने कि उसने एक मतलब जब स्कोर करके आई घर पे तो पापा उछल के किस विस करते थे और मतलब बहुत शो करते थे और मम्मा बस बोलती थी चलो ठीक है अगले टाइम और बेटर करना. आई ट्राइड नॉट टू होल्ड ए ग्रज अंगेंस्ट हर. लास्ट पैरा है आई ट्राइड नॉट टू होल्ड ए ग्रज अंगेंस्ट हर फॉर बींग सो रिजर्व्ड. मैं माँ के खिलाफ मतलब दुश्मनी या फिर थोड़ा सा वो नहीं होता टेंस होके कि अरे मेरी मम्मी मुझे नहीं चाहती या इस तरीके का कुछ रवैया मैंने अपना नहीं अपनाया. ठीक है, उनके रिजर्व होने की वजह से दैट वॉज जस्ट हर वे. मैं ये समझ गया कि ये उनका तरीका है. आई रीजन्ड, मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन किया. अब आपको इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है. एक बार फटाफट पैराग्राफ पढ़िए, फिर क्वेश्चन पकड़िए, फिर कीवर्ड पकड़िए. अब पूछा जैसे व्हाई डिड द नरेटर नॉट बियर ए ग्रज अगेंस्ट हर मदर. अब यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले ग्रज वर्ड यहीं लास्ट पैरा में आया और यहीं आपका क्वेश्चन बना दिया गया है. तो आप सीधे इसी पैराग्राफ में चले जाइए कीवर्ड जहाँ पे ये था आई ट्राइड नॉट टू होल्ड ग्रज अगेंस्ट हर फॉर बींग सो रिजर्व. किस लिए ग्रज नहीं रखता था, फॉर बींग सो रिजर्व. वाई डिड, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वाई डिड द नरेटर नॉट बियर ए ग्रज, क्यों ग्रज नहीं रख रहा था. और यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि वो रिजर्वड थी इस वजह से, फॉर बींग रिजर्व. दैट वॉज जस्ट हर वे, वो रिजर्व थी और क्या कहते हैं कि ये उनका नेचर है ऐसा समझा उसने. अब ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि इससे रिलेटेड क्या है. सी फेल्ट दैट हर मदर हैड दैट काइंड ऑफ नेचर. उसने सोचा कि मेरी माँ का जो है ये ऐसा ही नेचर है. बस यही वो बता रहा है सेंटेंस में. आपको आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है. दैट वॉज जस्ट हर वे, और यहाँ पे बस उस चीज को नेचर में कन्वर्ट कर दिया गया है कह के कि ये बस उसका नेचर था या फिर उसका वे था. यही ऑप्शन ए आपका सही हो गया. सी वॉज सेटिस्फाइड विथ हर फादर्स लव, ऐसा नहीं था. हर मदर वॉज इनकेपेबल ऑफ लविंग, ऐसा भी नहीं था. हर मदर वॉज एंग्री विथ एवरीवन, ऐसा कुछ नहीं दिया है. तो आप कीवर्ड देख रहे हैं कैसे पकड़ते हैं. कीवर्ड ऐसे ही पकड़ते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से पैराग्राफ में वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका कीवर्ड है. द नरेटर्स मदर रिवर्टेड टू हर ओल्ड सेल्फ बिकॉज. अब उसकी माँ ने अपने आप को वापस पुराना रवैये में क्यों मतलब कन्वर्ट कर लिया. अब ये चीज इसमें समझिए. अभी मैंने आपको हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, पैरा सेकंड में था ये चीज. सी फॉट विथ हर हस्बैंड, उसने हस्बैंड से लड़ाई की. पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा नहीं था. सी डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन रिवीलिंग हर इमोशंस. ये था, ये आगे था कि वो अपने आप को जो है दोबारा से रिवर्ट बैक इसलिए कर गई क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था. देन ये ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे सही है. अगर आप, मैंने अभी तो पैसेज का मतलब आपको समझा दिया है. अदरवाइज आप कीवर्ड के थ्रू जाते तो पैरा सेकंड में आपको सीधे सीधे से मिल जाता. जैसे यहाँ पे लिखा है इवेंचुअली सी रिवर्टेड हर ओल्ड सेल्फ. ये देखिए अब लिखा है. अब इसके पहले पढ़ लीजिए. ही नेवर फिल्ट क्वाइट राइट एक्सप्रेसिंग हर इमोशन. वो कभी फील नहीं करती थी कि वो मतलब इमोशंस एक्सप्रेस करने में बेहतर है. बस यही ऑप्शन है आपका. 93rd. द नरेटर्स मदर डिड नॉट अप्रिशिएट द नरेटर्स रिजल्ट बिकॉज द मार्क्स वर नॉट गुड. ऐसा कुछ नहीं कहा गया है. द मार्क्स कुड बी बेटर. ऐसा भी नहीं है कि और बेहतर हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं किया है. सी वॉज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. ये रीजन है पूरे पैसेज में, यही बात हो रही कि उसकी माँ ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थी. तो थर्ड पार्ट आपका सही है. सी वॉज टेंस, ऐसा भी कुछ नहीं था. तो थर्ड पार्ट आपका सोल्यूशन मिल गया.
हाउ इज द नरेटर्स डैड डिफरेंट फ्रॉम हर मदर। अब यहाँ पे ये पूछा है कि उसके जो पापा थे वो माँ से कैसे डिफरेंट थी। हिज डार्क, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो काले थे। हिज एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, ये लिखा हुआ है। ही डिसलाइक चिल्ड्रेन, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हिज पर्सुएसिव नेचर, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है। ये डिफरेंट इसलिए थे क्योंकि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर लेते थे। सेंटेंस के सेकेंड पैरा में ये लिखा हुआ था। 95. Why were the narrator's mother not expressive of her love? अब इसमें ये पूछ दिया गया है कि क्यों नहीं थी ऐसा। अब रीजन क्या है, सबसे पहले लाइन में दिया था कि वो चाइनीज फैमिली में पली बड़ी है, इस वजह से जो है हो सकता है। और उसमें एक लाइन और रखी है, वहां से मिल सकता है। तो कुल मिला जुला कि ये जब कीवर्ड मिला, और आपको याद होना चाहिए कि पैरा आपने पहला पढ़ा था, तो ये वहां से मिलेगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। सी वॉज ऑफ चाइनीज ओरिजिन, ये पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में हो सकता है। इट वॉज नॉट हर नेचर, ऐसा कुछ नहीं है। सी वॉज ए हार्श पर्सन, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। द ट्रेडिशन एट हर होम डिड नॉट अलाउ हर, द ट्रेडिशन एट हर होम डिड नॉट अलाउ हर, ये था वहां पे कि उसके घर का ट्रेडिशन ही ऐसा नहीं था। सी वॉज ए चाइनीज ओरिजिन, जरूरी नहीं है कि चाइना के ओरिजिन वाले सारे के सारे लोग एक्सप्रेसिव ना हो। उसके पापा तो थे, तो ये रीजन तो हम बता नहीं सकते कि सी वॉज ऑफ चाइनीज ओरिजिन, तो हम ये कह दें कि चलो ऑप्शन ए ले लिया। द ट्रेडिशन एट हर होम, माहौल उसके घर का ऐसा नहीं था, इस वजह से जो उसकी माँ जो है एक्सप्रेस अपना नहीं कर पाती थी, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो इस तरीके से आप कीवर्ड के थ्रू जो है आप पैसेज और पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ, इसको इंप्रूव करना है। ये देखिए, बोथ ऑफ अस हैड ए डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, बोथ ऑफ अस हैड ए डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, आपको चुनना है बोथ ऑफ अस, ईच ऑफ अस और ईच ऑफ अस हैव। एक तो बोथ आपको पता होना चाहिए कि दो के साथ लगता है, ठीक है, और अस लगा है यहाँ पे, प्लूरल फॉर्म कर रही है, अस में हम बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है ईच ऑफ अस। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और होगा, ईच ऑफ अस हैड, ईच ऑफ अस हैव, कि हैड लगाएं या हैव लगाएं। तो इस बात के लिए आप ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस देखिए, जो आपका मेन सेंटेंस है जो दिया गया है वो किस टेंस में है। वो दिया है पास्ट टेंस में, तो आप ऑप्शन भी लोगे क्या पास्ट टेंस में, वो प्रेजेंट में नहीं लोगे। तो जैसा दिया हुआ है वो सेम टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। द ट्रेड यूनियन इज हेल बेंट एट गेटिंग इट्स डिमांड फुलफिल्ड, द ट्रेड यूनियन इज हेल बेंट एट गेटिंग द डिमांड फुलफिल्ड। अब पहले आपको हेल बेंट का मतलब पता होना चाहिए। ये एक फ्रेज होता है, क्या होता है, एक फ्रेज होता है हेल बेंट, और इसके साथ जो आता है वो होता है हेल बेंट ऑन, हेल बेंट ऑन, इसका थर्ड आपका आपका सही होगा। हेल बेंट ऑन का मतलब होता है नरक तक। द ट्रेड यूनियन इज हेल बेंट ऑन गेटिंग इट्स डिमांड फुलफिल, जो ट्रेड यूनियन था अपने डिमांड पूरी करने के लिए नरक तक जा सकता था। सेंटेंस का मतलब यह है नरक तक जाता है, तो हेल बेंट ऑन का मतलब होता है, करेक्ट फ्रेज याद रखिएगा, हेल बेंट ऑन होता है। अब बात करें 98 की, द पुलिस हैड टू ब्रेक द डोर टू गेट इन। अभी मैंने बताया है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में ही बताया है कि अगर जबरदस्ती घुसना हो तो हम क्या लिखते हैं ब्रेक डाउन, जैसे दरवाजा दरवाजा तोड़ के अगर वो करना हो तो ब्रेक डाउन का मैंने बताया था कि पुलिस मतलब दरवाजा तोड़ के अंदर घुस के, एग्जांपल भी सेम दिया था। द पुलिस हैड टू ब्रेक डाउन, हैड टू ब्रेक डाउन, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। द पुलिस हैड टू ब्रेक डाउन, ब्रेकअप का मतलब होता है जैसे रिलेशन वगैरह ब्रेक करना, ब्रेकअप विद समवन इस तरीके का। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि दरवाजा वगैरह तोड़ के अंदर जाना। क्वेश्चन नंबर 99 है, द प्लेन लैंडेड एंड शॉट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, द प्लेन लैंडेड एंड शॉट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। यहां पे जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो है 25 में से जो बहुत कम स्टूडेंट सही कर पाए होंगे। इसके लिए जो है एसएससी ने लिया था ऑप्शन, वो लिया था टैक्सीड। इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकता कि टैक्सीड क्यों लिया गया। द प्लेन लैंडेड एंड टैक्सीड टुवर्ड द एयरपोर्ट, इसे एक्सेप्शन की तरह इस वर्ड को ले लीजिए आप कि द प्लेन लैंडेड एंड टैक्सीड टुवर्ड द एयरपोर्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम, आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम, पूरे दिन के स्ट्रगल के बाद आई जस्ट वॉन्ट, मैं घर जाना चाहता हूं, मतलब यह है। अब यहां पे जो एरर है आप ऑप्शन देखिए, यहां पे बस यह है कि डेज, डेज का मतलब होता है ये प्लूरल फॉर्म हो गया, और डेज इसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफियस, पोजीशन
एक तरीके से होता है। अब उसमें ये भी देखना है कि DAYS लगना चाहिए या DAYS ये लगना चाहिए। अब जब ये होता है DAYSS, ये एपोस्ट्रॉफी दिखाता है, जैसे बॉयज है, बॉयज में अगर इसका प्लूरल मतलब एपोस्ट्रॉफी दिखाना हो तो इसके साइड में एस लगाते हैं। लेकिन डेज का क्या होता है ना, डेज का ये वाला पार्ट सही होता है, डेज का एपोस्ट्रॉफी ऐसे दिखाते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट सही होगा, हार्ड डेज वर्क, आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क पार्ट ए, DAY ऊपर कॉमा देन एस वर्क। तो ये रहा आज का जो है सेकेंड शिफ्ट का जो है पेपर।